समर सिंह की कोर्ट में पेशी के दौरान उनके साथ मारपीट की गई है। वहीं आपको बताते चले कि ये मॉब लिंचिंग का मामला है और लोग इतने आक्रोश में थे कि समर सिंह पर लपड़ थप्पड़ बरसाने लगे, वहीं पुलिस उन्हें बचाने में लगी रही। आपको बताते चले कि आकांक्षा दुबे सुसाइड के मामले में समर सिंह की 12 दिन के बाद गिरफ्तारी हुई और समर सिंह ने कई राज भी उगले हैं। वहीं एसपी का कहना है कि दरअसल आकांक्षा दुबे के मोबाइल में लॉक लगा हुआ था जिसे प्रयोगशाला भेजा गया है और उनका लॉक खुलवाने की कोशिश की जा रही है ताकि बहुत सारे राज उस मोबाइल से पता चल सके और इस केस को सुलझाने में मदद मिल सकती है। वहीं आपको बताते चले कि समर सिंह काफी डरा डरा सा नजर आ रहा है और हवालात में उसको देखकर ऐसा लग रहा कि जैसे ये डर के मारे मर जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि समर सिंह ने कई राज भी उगले हैं। समर सिंह पर कई सारे आरोप भी आकांक्षा दुबे की माता जी ने लगाया था। आकांक्षा दुबे की माता जी ने साफ साफ कहा था कि दरअसल समर सिंह ने उनकी बेटी के 3 से 4 करोड़ रुपए रखे हुए हैं और वो पैसा नहीं लौटा रहा था, मेंटली डिस्टर्ब कर रहा था, शारीरिक शोषण का भी आरोप लगा है। और ये भी बताया जा रहा था कि समर सिंह दरअसल आकांक्षा दुबे को ब्लैकमेल करता था। अब इसी को लेकर समर सिंह ने पुलिस की ट्रांजिट रिमांड में कुछ खुलासे किए हैं जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। समर सिंह ने कहा है कि वो किसी प्रकार का यौन शोषण नहीं करता था, ना ही ब्लैकमेल करता था, हाँ उसकी अच्छी दोस्ती थी। समर सिंह ने यह भी कहा कि वो शादीशुदा है तो फिर दूसरी लड़की के साथ अफेयर क्यों करेगा। वहीं समर सिंह ने यह भी बताया कि समर सिंह आकांक्षा दुबे की काफी मदद करता था। उसने बताया कि उसने गाड़ी भी खरीद करके दी थी, एक फ्लैट भी खरीदने वाला था तो वो उसे बहुत मानता था, लेकिन शारीरिक शोषण और ब्लैकमेल की जो भी बातें हैं वे सब बेबुनियाद हैं और उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको फंसाया जा रहा है, उनका करियर बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। और दरअसल इसके लिए उन्होंने भोजपुरी के बड़े बड़े स्टारों का पर आरोप लगाया, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने साफ साफ बताया कि भोजपुरी के बहुत बड़े बड़े स्टार जो हैं उनका करियर खत्म करने के लिए उन पर ये जो मुकदमा लादा गया है और उन्हें फंसाया जा रहा है। आपको बताते चले कि आकांक्षा दुबे की माँ जहाँ पे कह रही थी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी की पुलिस अपराधी को खोज नहीं पा रही है, वहीं वहां के एसपी के चेंज होते ही मात्र एक दिनों के अंदर नए एसपी, जैसे ही तबादला हुआ और नए एसपी आए वैसे ही एक दिनों के अंदर समर सिंह की गिरफ्तारी हो जाती है गाजियाबाद से। और समर सिंह अभी पुलिस की ट्रांजिट रिमांड में है, कल उसकी पेशी कोर्ट में की जा रही थी जिस दौरान लोगों ने गुस्से में आकर उस पर मॉब लिंचिंग की। वहीं आपको बताते चले कि आकांक्षा दुबे से मिलने पवन सिंह भी पहुंचे थे, राकेश मिश्रा भी पहुंचे, अक्षरा सिंह भी पहुंची थी और उनकी मां को आर्थिक सहायता भी दिया गया है। वहीं इस मामले में जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।